और लकड़ी का जो टेस्ट रहता है वो सेगड़ी गैस के सेगड़ी में से उसमें से बहुत फर्क है। लकड़ी में बनाया कौन सा भी चीज आप खाएंगे तो उसको टेस्ट तो लगेगा ही लगेगा 100%। आप इधर एक खाएंगे सेगड़ी के ऊपर का तो अपना भट्टी के ऊपर का कम से कम दो तीन तो आराम से खाएंगे, टेस्ट ही अलग रहता है उसका। जो पिताजी ने हमारे लिए रखा है ये सिगड़ी जो है हमारा पिताजी ने रखेला है उसको भी वो जो कड़े रखा है उसको भी 40 साल के ऊपर हो गया है। अरे बाप रे। हाँ, कड़े में हम लोग का ऊपर का जो आटा रहता है वो पूरा पतला रहता है इसमें। ये देखो पूरा आपको पतला आटा मिलेगा। उसको जो आटा में हम लोग सोडा बीड़ा कुछ नहीं डालते, खाने का सोडा ये आटे में डालेगा तो वड़ा इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन हमको क्या बड़ा करके किसको दिखाने का, नहीं हमारा जो क्वालिटी है यही देख के पब्लिक हमारे पास आती है। अगर जीनियन वड़ा खाना है तो आप सिवड़े पे विठल वड़ा पाव पे आ जाए। सवाल ही नहीं सर, आके खाली जरूर एक बार टेस्ट करके जाना सर। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए ये मुंबई के शिवडी इलाके में और आज कुछ हम आपको वड़ा पाव अलग तरीके से दिखाने वाले हैं। जैसे आपने देखा है काफी जगह पे अभी इस जनरेशन में वड़ा पाव गैस पे बनता है, बॉयलर पे बनता है या चूल्हे पे स्टोव पे बनता है, इलेक्ट्रिक जो आइटम होते हैं सिगड़ी वगैरह उस पर बनता है। लेकिन आज के ज़माने में भी यहाँ पे ये शिवडी में ये भट्टी पे ये वड़ा पाव बनाते हैं जिनका नाम है विट्ठल वड़ा पाव या भट्टी वड़ा पाव के नाम से ये यहाँ पे जाना जाता है पूरे मुंबई में। तो देखिए ये आपको नज़र आ रहा है, ये है विट्ठल वड़ा पाव। तो चलिए अंदर बताते हैं आपको ये कैसे ट्रेडिशनल तरीके से ये भट्टी पे अपना वड़ा पाव बनाते हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार दादा, आपका नाम क्या है? मच्छिंद्र विट्ठल शिंदे। दादा, जैसे अभी आज के जनरेशन में हम देख रहे हैं, चाहे घर हो, होटल हो, मकान हो, कुछ भी हो, ये आज के दौर में गैस निकला है, इलेक्ट्रिक सिगड़ी निकली है या और कई साधन जो संसाधन यूज कर रहे हैं, बॉयलर वगैरह, लेकिन आज भी आपके यहाँ पे ये भट्टी पे वड़ा पाव बन रहा है, तो ये क्या इसके पीछे कारण है? पहले जो हमारा तो 75 ईयर हो गया। अच्छा। 1965 में मेरे पिताजी ने चालू किया। वही पिताजी के बाद हम लोग, मेरा बड़ा भाई है तुकाराम शिंदे, उसने हैंडल किया। उसका कम से कम 42 ईयर का तो सर्विस इधर हो गया जगह पे। उसके बाद अभी 75 ईयर पहले तो आपने इधर कोई गैस इलेक्ट्रिक शेगड़ी बिगड़ी कुछ नहीं था। हम लोग वो टाइम से चालू किया है भट्टी पे बनाना। वही हमारा रेगुलर कंटिन्यू चालू है 65 ईयर से। और वो लकड़ी का जो टेस्ट रहता है वो शेगड़ी और बट इसमें जो रहता है गैस के सेगड़ी में से उसमें से बहुत फर्क है। अच्छा। लकड़ी में बनाया कौन सा भी चीज आप खाएंगे तो उसको टेस्ट तो लगेगा ही लगेगा 100%। आप इधर एक खाएंगे सेगड़ी के ऊपर का तो अपना भट्टी के ऊपर का कम से कम दो तीन तो आराम से खाएंगे। तो आज का प्राइस क्या है? अभी हमारा है 20 रुपया। अभी किया वो एक महीना हो गया, नहीं तो 15 रुपया था। 15 रुपया। तो सर जैसे ये आप वड़ा और पाव वगैरह देते, इसके साथ और क्या क्या देते हैं? हमारे इधर देखो ये वाला जो पाव रहता है उसमें हम लोग लगाते हैं खोबरे का चटनी। अच्छा, ये खोबरा? ये खोबरे का चटनी हो गया है, मिर्च और खोबरा है शायद ना? हाँ, मिर्ची खोबरा है और भी दो इसमें अदरक विदरक रहता है सब चीज। हाँ। उसके बाद उसके अंदर वड़ा आता है। ओके। उसके बाद एक जो दाल वड़ा रहता है वो दाल और उसका प्रोसेसिंग किया हुआ दाल कांदे का भजिया रहता है, बोलेगा तो दाल वड़ा बोलते हैं हम लोग उसको। अच्छा। एक आटे वाला मिर्ची रहता है। अच्छा, ये भी फ्राई किया रहता है? ये सब फ्राई उसमें का, इसको प्रोसेसिंग किया रहता है। अच्छा। वो खाली हम लोग सिंगल डालते नहीं उसके अंदर आटे में डाल के तेल में। अच्छा, ये उसको भी कुछ डाला है? हाँ, उसको कटिंग इधर से इधर तक कटिंग करना है पूरा मिर्ची को। अच्छा। उसके बाद उसके अंदर सब नमक मसाला भर के उसमें फ्राई करना पड़ता है आटे में डाल के। अच्छा, ये सब हमारा कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक? अच्छा। हाँ। तीन आइटम, दाल वड़ा, फ्राई मिर्च और बटाटा वड़ा। हाँ, ये कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक है। हाँ। ये इसका प्राइस कितना? 20 रुपीज। 20 रुपीज। डबल लेगे तो 40 रुपीज। हाँ, ओके। दो लेगा तो 40 रुपीज। और इसी कारण से ये कस्टमर आपका वड़ा पाव यहाँ पे खाने आता है। और ये हमारा कॉम्बो पैक बहुत सालों से है, वही तो कम से कम 30-35 साल तो ऐसे इसको ही हो गया, ज्यादा ही हो। बच्चे लोग आते हैं उसके और उसके पिताजी और उसके दादाजी, कम से कम दादाजी के पास से तब से हमारा चालू है। अच्छा। दादाजी आते थे, उसके पास उसके पिताजी भी है लड़के के और लड़का भी आता है। अच्छा। तीनों जनरेशन हमारे पास आते हैं। बराबर। एक बार जो आ गया तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पास, कंटिन्यू पीढ़ी ना पीढ़ी हमारे इधर चालू ही रहता है। क्या बात है, क्या बात है। हमारा टोटली फैमिली बिजनेस है। ये जो बनाते हम लोग खुद घर पे बनाते हैं, घर पे बनाते। ये जो खोबरे का चटनी रहता है, ये जो सेंग और लहसुन का चटनी रहता है। ओके। अच्छा, ये सूखा चटनी भी है? सूखा चटनी है वो, मिर्ची लहसुन और सेंग का ओरिजिनल चटनी बनाते हैं, कुछ दूसरा मिक्सिंग आइटम नहीं डाल। चलिए दादा, थैंक यू। थैंक यू सर।